1959 में घर की छत पर सात औरतें इकट्ठा हुई। उनका एक सिंपल सा सपना था कि पापड़ बनाए यानी मॉडस्ट लेंटिल वेफर्स और अपने आप को गरीबी से आजाद करें। ₹80 के लोन से शुरू हुआ ये काम आज पूरे देश में मल्टी मिलियन रुपी बिजनेस के रूप में फैल गया है और साथ ही दुनिया भर के इंडियन किचन्स की पहचान बन गया है। सात औरतों से शुरू हुआ ये काम आज 45,000 औरतें संभाल रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की एक सच्ची कहानी जो आज सबको इंस्पायर कर रही है। मैं अगर पापड़ नहीं बेलती तो हमारा आज लड़का इंजीनियर भी नहीं बनता, ये जगह भी नहीं रहता। और आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए द मेगा किचन ऑफ लिज्जत पापड़। मुंबई 1959। सिटी फाइनेंशियल फेरबदल से गुजर रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी, फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, बाहर से आकर बसने वालों की तादाद बढ़ रही थी। उधर मेगापोलिस के गिरगांव इलाके में लुहाना निवास में उसके बीज बोए जा रहे थे जो आगे चलकर एक रेवोल्यूशन बनने वाला था। इसकी अगुवाई कर रहा था औरतों का एक ग्रुप जिसमें जसवंती बेन भी शामिल थी। जन्म नवा हो गया, नया हो गया ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गच्ची ने शुरू किया, हमने सबको बुलाया तो पहले दिन साथी देना आया खाली पांच बिल्डिंग में से, हम सात दिन नहीं बनाया पहला दिन। एक पहली दाल लाया तब किलोग्राम नहीं था, रतल का हिसाब था, तो पाव रतल मेरी दाल लाया, एक पिंक का डब्बे लाया। पहला दिन हम 1 किलो बनाया तो 8 आराम को मजूरी मिला, दूसरे दिन 2 किलो बनाया 1 रुपया मिला, तो सबके लालच हो गया कि अभी आप भी हम बनाएंगे तो हमको भी मिलेगा ना। इंडिया में खाने को हम एक बहुत ही पवित्र चीज मानते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी आत्मा को जिंदा रखता है। हर एक बाइट को समझा जाता है अ लॉन्ग चेन ऑफ कंटिन्यूअस ब्लेसिंग्स। परंपरा की बात करें तो इंडिया में औरतों ने होम मेकर का एक अहम किरदार निभाया है जिसका बुनियादी महत्व है। सबकी चिंता करने का उनका ये किरदार प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा तक बना रहा। ऐसे तमाम किरदार निभाने वाली औरतों खासकर मदर से ही घर और फैमिली की पहचान बनती है। घर से दूर उनके हाथ का पकाया खाना ही वो डोर होता है जो हमें घर की तरफ खींचता है। उनका प्यार, देखभाल और दुआएं हमेशा उनके परोसे खाने में झलकती हैं। खाने में एक चीज जो सब घरों में सबकी थालियों में देखने में आती है, जो इंडिया के किसी भी एक कल्चर का हिस्सा ना होकर सबके खाने का अहम हिस्सा बन चुकी है, वो है क्रैकर्स, जो आमतौर पर बनता है उड़द की दाल से और नाम है पापडम या पापड़। और इंडिया में पापड़ का नाम सुनते ही जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है लिज्जत। लिज्जत का नाम इसलिए हम नाम रखेंगे तो रजिस्टर में चलेगा ना, तो सब दिन को बुलाया शाम को, उधर गच्ची में सब इकट्ठे हो गए, वो सब दिन आ गया तो हमने वो लिज्जत का पत्रिका बनाया जैसा बच्चे का बनता है ना, तो उसमें ल ऊपर बहुत नाम पेपर भर के आया था इतना, तो सब दिन चुनने लगे, आपस आपस में बात करने लगे, ये रखो ये रखो ये रखो। एक बड़ी साल की बहन था धीरज बहन करके, उसने बताया कि ये लिज्जत रखो, तो बोलेगा देखो ये लिज्जत का इज्जत बहुत बढ़ेगा,
तो अभी भगवान कृपा से बहुत बड़ा है लिज्जत का। उस छोटी सी शुरुआत से ये मूवमेंट पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। आज देश भर में इसकी 82 ब्रांचेस हैं। 100 पापड़ों के बैच से शुरू करके आज पूरे इंडिया में रोजाना 1.3 करोड़ से ज्यादा पापड़ तैयार किए जाते हैं, यानी इतने कि इन्हें सूखने के लिए फैलाएं तो ये फुटबॉल के 44 मैदान ढक लेंगे। जसवंती बेन ने तो सोचा तक नहीं होगा कि 6 फ्रेंड्स के साथ 80 रुपए के लोन से शुरू की पापड़ बेलने की ये सिंपल एक्सरसाइज 1.6 अरब की इंडस्ट्री बन जाएगी और ये नाम दुनिया के घर घर में पहुंच जाएगा। इसकी कामयाबी छुपी है इसकी सादगी में। जसवंती बेन सहित 21 मेंबर्स की टीम वाली सेंट्रल कमेटी के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है। ये देश के तमाम हिस्सों में नई ब्रांचेस खोलते हैं। ये ब्रांचेस नर्व सेंटर्स की तरह काम करते हुए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती हैं। हजारों मेंबर सिस्टर्स इन ब्रांचेस से डो ले जाकर अपने घरों में पापड़ बेलती हैं। पापड़ वापस ब्रांचेस में जमा कराए जाते हैं जहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये सब आपस में मिलकर बनाते हैं मेगा किचन्स ऑफ लिज्जत पापड़। आज लिज्जत की जड़ें चारों तरफ फैल चुकी हैं, लेकिन जसवंती बेन आज भी उसी गिरगांव ब्रांच में काम संभाले हुए हैं जहां इस सब की शुरुआत हुई थी। ब्रांच की हेड होने के नाते इसके कामकाज की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। उनका दिन शुरू होता है इंग्रेडिएंट्स तोलने, पैक किए जा रहे पापड़ों की जांच करने, और कागजी काम पूरे करने के साथ। छह लाख 50 हजार पापड़ का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसे 2 दिन में डिलीवर किया जाना है। गिरगांव की यूनिट छोटी है, लिहाजा ये इस मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए जसवंती बेन देश में लिज्जत की सबसे बड़ी ब्रांचेस में से एक की मेंबर सिस्टर से बात करती हैं। मुंबई से जसवंती बेन का फोन आया है, उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उन्होंने 300 डब्बे का पापड़ मांगा है, तो हमारा भी पापड़ का ऑर्डर पूरा करके उनकी भी हेल्प करनी है, इसलिए आप सबको बुलाया है, क्या करना चाहिए। चेतना बेन पुणे की धयारी ब्रांच की हेड है। चेतना फॉरन मेंबर सिस्टर्स की मीटिंग बुलाती है। लेकिन कौन सा पापड़ चाहिए उनको? उनको तो हम मीडियम देंगे, बाकी का वो ऑर्डर पूरा कर लेंगे उनका। जरूरत है एक एक्शन प्लान की और रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सभी 800 मेंबर सिस्टर्स के हाथ बटाने की। रोज का लेके जाके उनको 7-7 केजी ज्यादा बेलना चाहिए। इतना ज्यादा लेके जाएगी ना तो ऑर्डर बराबर पूरा होगा। चलो तो फिर क्या करते हैं, जसवंती बैंक वाला जो 300 डब्बे का ऑर्डर है वो भी पूरा कर देंगे और एक दिन में पूरा कर देंगे। तुम बात खत्म हो गई? चलेगा। पापड़ की कामयाबी के पीछे खास वजहों में से एक है इसका एक जैसा स्वाद। 50 से ज्यादा सालों में टीम के बनाए बेस फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक वही रेसिपी, ठीक वही प्रोसेस। चेतना बेन खुद इंग्रेडिएंट्स का वजन करती हैं। काली मिर्च और हींग को तो वो बहुत हिसाब से तोलती हैं। ये जो हींग है वो हींग हम अफगानिस्तान से मंगाते हैं, क्योंकि क्वालिटी में बहुत अच्छा है, रहता है हींग बहुत स्ट्रांग रहता है। ये झाड़ का छिलका रहता है, वहाँ से हम लाते हैं। पहले उसको कूटते हैं, कूटने के बाद छान के लेते हैं और छान के फिर इसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बना के मिरी दाल में 20 ग्राम हींग डालते हैं। ये थोड़ा सा भी हल्का सा भी ज्यादा हो जाए तो टेस्ट में बदलाव आ जाता है और पापड़ फाड़ के फेंक देना पड़ता है। फिर करीब 6,50,000 पापड़ बनाए जाने हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के लिए डो तैयार करना कोई आसान काम नहीं है।
लिज्जत पापड़ की मेगा किचन्स में। पुणे में लिज्जत की दयारी ब्रांच पूरी तरह से तैयार है। मुंबई से मिले ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम जोरों पर है। इस जैसी ब्रांचेस उन नर्व सेंटर्स के तौर पर काम करती हैं, जो हजारों औरतों को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसे ले जाकर वो अपने घरों में पापड़ बेलती हैं। लेकिन टनों डो गूंदना कोई आसान काम नहीं है। इस्तेमाल किए जाने वाले हर ड्राई इंग्रेडिएंट को अपनी ही लंबी चौड़ी प्रोसेस से गुजरना होता है। नासिक से कई ट्रक्स उड़द की दाल लेकर पहुंचे हैं, जो ज्यादातर पापड़ों का बेस बनती है। यहाँ पर उड़द दाल पीसने की चक्की भी है, तो यहाँ पर दाल आती है, पहले उड़द की दाल आती है और वहाँ से हम आटा भी बनाते हैं। पुणे की इस ब्रांच की अपनी चक्की है, जो एक दिन में 4700 किलो से ज्यादा दाल पीसती है। पहले उड़द की दाल एकदम बारीक पीसी जाती है। इसके बाद ठीक से न पीसने वाले बड़े टुकड़ों को छानकर निकाला जाता है। पीसी दाल को 11-11 किलो के बैचेस में पैक करके डो किचन में भेजा जाता है। हींग एक अहम इंग्रेडिएंट है, जो लिज्जत पापड़ को एक खास फ्लेवर देती है। लिज्जत अफगानिस्तान से हींग इंपोर्ट करता है। पहले इसे साफ किया जाता है, फिर पीसा जाता है और फिर छाना जाता है। काली मिर्च को तैयार करने का प्रोसेस ज्यादा टेढ़ा है। पहले पूरे पेपरकॉर्न्स पीसे जाते हैं। पाउडर अलग किया जाता है। फिर बड़े टुकड़े वापस चक्की में डाले जाते हैं। तीसरी बार हम क्या करते हैं, पंखे के आगे उसको लेके जाते हैं। इस बार जो बाहर आता है उसे पंखे के सामने साफ किया जाता है, जिससे काली मिर्च के काले छिलके अलग हो जाते हैं। तैयारी सेंटर में रॉ मटेरियल लगातार तैयार करके डो किचन में भेजा जाता है। पहले दिन ऑर्डर आता है या 2-4 दिन पहले ऑर्डर आता है, ऑर्डर के हिसाब से हम पापड़ बनाते हैं। आटे के हर ड्रम में हींग और काली मिर्च मिलाए जाते हैं। इसके बाद बनाया जाता है सॉल्ट वाटर। पानी में कॉमन सॉल्ट और पापड़ खार या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसे फिर छाना जाता है। फाइनली अब वक्त है डो गूंदने का। फ्लावर मिक्स और सॉल्ट वाटर को नीडिंग मशीन्स में डाला जाता है।
इस मौके पर ग्राउंड नट ऑयल मिलाया जाता है और बस डो तैयार है। एक साल में लिज्जत 4.8 अरब से ज्यादा पापड़ तैयार करता है, यानी इतने पापड़ कि अर्थ को 21 बार लपेट लें। दयारी ब्रांच में 800 मेंबर सिस्टर्स में से हर एक को बुलाया गया है। टारगेट पूरा करने के लिए हर मेंबर सिस्टर को एक दिन में 800 से ज्यादा पापड़ बेलने होंगे। प्रमिला भी लिज्जत मेंबर सिस्टर है जो इससे 17 साल पहले जुड़ी थी। डो कलेक्ट करके वो सीधी लिज्जत वैन की तरफ बढ़ती हैं, जिसमें दूसरी मेंबर सिस्टर्स भी सवार हैं। और ये वो औरतें हैं जिनके पास है एक इज्जतदार काम और एक कमाई जो उनकी फैमिलीज को चलाने में उनकी मदद करती है, और ये सब है लिज्जत मूवमेंट की बदौलत। बस का सफर इन औरतों को आपस में बातें करने और एक दूसरे का साथ एंजॉय करने के मौके देता है, एक ऐसे दिन में जिसमें उन्हें फैमिलीज की चिंता भी करनी है और पापड़ भी बेलने हैं। बस से उतरकर प्रमिला इस उधेड़ बुन में है कि उनका बेटा उनकी मदद के लिए आज घर पर होगा कि नहीं। ओ हमारे ना थोड़ी परिस्थिति बहुत नाजुक थे, बहुत हम लोग ऐसे गरीब थे, तो मैं बोले अपने लड़के को ना अच्छे से मैं पढ़ाएगी, अच्छे से पढ़ा करके उसको तो खुद तो बनाएगी अपने जैसा, नहीं उसको रखने का। इसलिए मैं लिज्जत पापड़ में काम करने लगी तो उसको इंग्लिश मीडियम में मैं डाली, जबकि मैं भाड़े से रहती थी। अभी भी ये भी मैं जगह ना 1 लाख में ली तो पापड़ के कंपनी में मैं काम करने की 50-50 रुपए में बाजू पर रखने की। घर पर पापड़ बेलना प्रमिला को वो सहूलियत देता है जो फैक्ट्री में काम करना नहीं दे सकता था। अब आटा घर में लाए, अपने बच्चे को भी ध्यान रहते, बच्चे स्कूल गया कि नहीं गया, किधर घूमते, क्लास को गया कि नहीं गया, ये सब अपना घर में करके भी ये पापड़ का काम हो जाते। लेकिन पापड़ बेलना असल में एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। रोहित जरा इधर आ, हेल्प कर पापड़ बहुत सारा बनाने के। डो को नरम करने के लिए पहले उसे स्ट्रेच करना होता है। आटा अच्छे से ईच का, पापड़ खराब ना हो जाए, पानी जस्ती नहीं लगाने का। अगर ये ठीक से नहीं किया तो पापड़ साइज और थिकनेस में बराबर नहीं होंगे। डो को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद वो उसे एक तरह का रोल बना लेती हैं, जिसे फिर धागे की मदद से छोटी छोटी बराबर लोइयों में काटा जाता है। बेले जाने तक लोइयों और डो को ढककर रखना जरूरी है। रोलिंग पिन और उसका बेस स्टैंडर्डाइज्ड है और ये हेड ऑफिस से ही दिए जाते हैं। ये बेस पापड़ को एक सही साइज में रखने में मदद करते हैं, और इसीलिए देश भर में सभी लिज्जत किचन्स में हजारों औरतों के बेले गए पापड़ एक जैसे होते हैं। प्रमिला के पास जगह की कमी है। दूसरी औरतें छत पर चटाई के ऊपर पापड़ सुखाती हैं, लेकिन वो इन्हें कमरे में ही पंखे के नीचे सुखा लेती हैं, और इनकी फैमिली इसमें इनकी मदद करती है। जगह भी कम है तो क्या करते, हमारे बच्चे लोग नीचे बैठ गए, एक चटाई खाट पे रख दी, अभी वो रूम बनाए तो उसमें भी खाट रखी है, उसमें भी एक चटाई खाट पे रख दी, ऐसे ऐसे सुखाते। मूवमेंट ने उन्हें जो मौका दिया उसकी बदौलत उनका बेटा आज इंजीनियर है।
जिप्पी भरने के लिए हमारे ऐसा था, वो बड़ा वाला लड़का इधर बैठ के रो रहा था। जब भी एडमिशन का टाइम 1,00,000 रुपए फीस भरने का था, अब हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं अपने मैडम को बोली, मैं बोली हमारा लड़का रो रहा है, ये बोल रहा है मम्मी तुम हमेशा के लिए गरीब बन के रहेगी अगर मैं नहीं पढ़ा तो। उसने एक साल में 50,000 रुपए दिए। तो मैं फी भर के 50,000 इधर उधर करके मैं 1,00,000 फी भर के उनको स्कूल में एडमिशन कराई। मैं अगर पापड़ कंपनी में मैं पापड़ नहीं बेलती तो हमारा आज लड़का इंजीनियर भी नहीं बनता, ये जगह भी नहीं रहता। पूरे भारत में किसी भी वक्त अपने घरों की किचन में पापड़ बेलती 32,000 से ज्यादा औरतें लिज्जत को एक मेगा किचन बनाती है। पुणे ब्रांच की सीनियर मेंबर्स किसी भी मेंबर सिस्टर के घर अचानक पहुंचकर जांच करती रहती हैं, ये देखने के लिए कि वो जरूरी स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही हैं कि नहीं। आज सगुना के बनाए पापड़ों की जांच होनी है। मुंबई के एक सबर्ब में लिज्जत पापड़ की फाउंडर सिस्टर्स में से एक 85 साल की जसवंती बेन आनंद जी और प्रेम जी की दुकान की तरफ जा रही हैं। 1959 में इसी दुकान पर उन्होंने और उनकी फ्रेंड्स ने अपने पहले 4 पैकेट्स बेचे थे। सज्जन बाबा हमारे दुकान पे आए थे, वो हमको लिज्जत पापड़ का नमूना दिखाया, तो बोले ये देखो लिज्जत पापड़ है, सब पापड़ रेडी बनाते हैं, आप तो हमको मदद करो, हमको भी अच्छा आपको भी अच्छा, दो पैसा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। उन्होंने हमको पापड़ रखा तो तुरंत हमारे चाचा जी भाई साहब सब बोले आपका इसका कितना अमाउंट होता है, तो अमाउंट आप पहला ले लो, हम बाद में बेचेंगे। जसवंती बेन और दोनों भाई अब पुराने दोस्त हैं। ये उस मॉडल की सादगी की मूर्त है जिसको ये इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ इंस्टीट्यूशन बदलते वक्त के साथ इवॉल्व और अडेप्ट हुआ है, वहीं इन्होंने अपना जज्बा भी बनाए रखा है। नमस्ते, हमने कहीं असंतोष नहीं, बहुत संतोष छे तमारा पापड़ मां, हिम्मत मैरा करसे तो। हां बस बस भले आकार है, हां बस हिम्मत करी हुआ। ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और इन्होंने अपनी आंखों से लिज्जत को तरक्की करते देखा है। बहुत बढ़ गया सेल, बहुत बढ़ गया। पहले तो क्या है, हम 5-5, 10-10 पैकेट मंगाते थे, अभी 50-25, 25-30 साथ में मंगाते थे, हफ्ते में 2 दफे आता इनका। हमारा जो पिताजी चाचा थे ना, उनको लोगे बहनों को ज्यादा मदद मिले ऐसा करने का, इसलिए उनका ज्यादा प्रिफर किया। इसी कॉर्नर स्टोर से बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का सफर आज दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचा है। लिज्जत अपने पापड़ यूके, यूरोप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को एक्सपोर्ट करता है। इतनी ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए ब्रांचेस अक्सर एक दूसरे का हाथ बटाती हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी है। ब्रांच की 2 सीनियर मेंबर्स बिना बताए सगुना के घर पहुंचती हैं, जहां छत पर वो पापड़ का अपना बैच बेल रही हैं। ऐसा सभी मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पर किया जाता है, चाहे उन्हें काम करते हुए कितने ही साल क्यों ना हो गए हों। सगुना जल्दी से छत पर सुखाने के लिए रखे पापड़ों को जमा करती है। छत के अलावा वो घर के अंदर भी एक मेक शिफ्ट कंट्रैप्शन पर पापड़ सुखाती है, जिसमें एक स्टोव के ऊपर एक उल्टी टोकरी लटकाकर उस पर बेले हुए पापड़ रखे जाते हैं। इस टेक्निक से पापड़ को सूखने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं।
लिज्जत ने 60s में ये तरीका तब इजाद किया था जब मानसून में पापड़ का प्रोडक्शन थम जाया करता था। सगुना के जिम्मे एक बड़ा काम है, मुंबई की गिरगांव ब्रांच का टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन से भी कम वक्त में करीब 800 पापड़ बेलने हैं। दिन निकलने पर लिज्जत वैंस सभी औरतों को उनके मोहल्ले के पास के स्टॉप से लेने पहुंच जाती हैं। ये वैंस रोजाना इन औरतों को सेंटर पर लाती हैं, जहां वो अपने पिछले दिन के पापड़ जमा कराकर उस दिन के लिए ताजा डो लेती हैं। सेंटर पर मेंबर सिस्टर्स सबसे पहले प्रार्थना करती हैं। दिन के कामकाज में जुटने से पहले अपने अंदर शांति का एहसास जगाया जाता है। पुणे की धयारी ब्रांच में 800 मेंबर सिस्टर्स काम करती हैं। सालों के डिसिप्लिन से बने इस सिस्टम में काम बेरोक टोक चलता है। सिस्टर्स डिपॉजिट विंडोज पर कतार लगाती हैं। हर पापड़ चेक और रीचेक किया जाता है। सगुना भी मुस्कुराती औरतों की लंबी लाइन में शामिल हो जाती हैं। उनके पापड़ गिने जाते हैं, तोले जाते हैं और बाकी मेंबर्स से मिले पापड़ों की तरह संभाल कर रखे जाते हैं। वो टोकन लेकर अपनी डेली वेज लेने के लिए बढ़ जाती हैं। इन्हें इनके काम के हिसाब से हर रोज पैसे चुकाए जाते हैं। शुरुआत से ही सभी रैंक्स के लिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनी हुई है। आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइन करते हुए अपना नाम लिखती हैं। लेकिन जब वो लिज्जत से जुड़ी थी तब ऐसा नहीं था, तब वो लिख पढ़ नहीं पाती थी। सेंटर पर ही एक क्लासरूम सेशन चल रहा है। 18 साल पहले सगुना भी एक ऐसे ही क्लासरूम का हिस्सा रह चुकी है। लिज्जत कई ब्रांचेस में अपनी मेंबर्स के लिए प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज करता है। 10वीं और 12वीं पास करने वाले उनके बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, ताकि उन्हें एजुकेशन की कीमत समझ में आए। मेरी अभी बड़ी बेटी अभी वो MS कर रही जा रही है, उसको तो पहले से आज तक उसको स्कॉलरशिप मिली है। उसने इंजीनियरिंग पूरा कर दिया, फिर पुणे यूनिवर्सिटी में उसने एक सब्जेक्ट लेके कुछ तभी इतना मुझे नाम नहीं पता, वो 6 महीने का कोर्स किया उसने, फिर उधर उनका इंटरव्यू हो गया, उसने सिलेक्ट हो गए। फिर वो 27 लाख रुपये चाहिए थे, तो हमारे पास तो इतना तो कैसे मिलता है किधर से मिलता है कुछ भी पता नहीं था। हमको इतना मालूम था कि घर के ऊपर लोन मिलता है। फिर हम लोगों ने बैंक में जाके थोड़ा सा पता लगाया, तो उन्होंने बताया आपका ग्राम पंचायत के एरिया में है, आपका लोन नहीं हो सकता। फिर सब नाराज हो गए, उसके पापा बेटी। फिर हमारे जो मजदूरी देती है वो मीना ताई को मैंने बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे ताई से बात करो। फिर एक दिन मेरे पति और हम दोनों मिलके ताई के पास चले, तो उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी। मैम
उन्होंने बोला नहीं मिला तो कुछ भी करके अपने बेटे को भेज। उनकी हिम्मत की वजह से हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमारे साथ लिज्जत है, हमारी ताई है, तो हमें कोई परेशानी नहीं। इसीलिए तो हम लिज्जत को कभी छोड़ नहीं सकते। रूम में कंट्रोल्ड टेंशन का माहौल है। कुछ ही घंटों में ऑर्डर डिस्पैच किया जाना है और मेंबर सिस्टर्स तेजी लेकिन सावधानी के साथ हर पापड़ को साफ करके उनको जमा कर रही हैं। एक दूसरा ग्रुप इन पापड़ों के बंडल्स को चेक कर रहा है। एक और ग्रुप इन्हें पैकेट्स में रखकर फ्लेवर, प्राइस और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर के टैग्स लगाकर सील कर रहा है। चेतना बेन सुपरवाइज कर रही है ये पक्का करने के लिए कि हर चीज सही तरह से हो, ताकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स टाइम पर डिलीवर हो सके। पापड़ पैक करके सील किए जाते हैं। हर पैकेट में 120 पापड़ हैं। औरतों की एक असेंबली लाइन पापड़ों को इंतजार करते ट्रक्स में लोड कराने में मदद करती है। ये ट्रक्स सीधे मुंबई ब्रांच जाएंगे। हर एक के हाथ बटाने से सिर्फ एक दिन में 5,000 किलो एक्स्ट्रा पापड़ तैयार हो गए। मुंबई में लिज्जत की प्रेसिडेंट नए टारगेट को पूरा करने के लिए दूसरी जगहों से आए पापड़ों की पैकिंग और डिस्पैचिंग पर नजर रखती हैं। सीनियर मेंबर्स की एक टीम भी लगातार बढ़ते बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से एक और लोकेशन को देखने निकली है। चालीस साल गुजारे हैं मैंने। मैं जानती हूँ पैसे की वैल्यू क्या है। मैं हर उस स्टेज से गुजरी हूँ जिसके जरिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए और हाथ और बहने लाए, मशीन्स नहीं। आदमी के कंधों से कंधा मिलाया लिज्जत की बदौलत। आठ साल पहले जब मैं अध्यक्ष बनी तब 635 का टर्नओवर था, आज 1600 करोड़ का है। लिज्जत पापड़ की प्रेसिडेंट स्वाति बेन मूवमेंट के जज्बे को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन से उनका जुड़ाव तब से है जब वो बहुत छोटी थी। मैं 10 साल की थी तब से लिज्जत में आ रही हूँ। पहले तो मैं पापड़ बेलती थी, उसके बाद में मुझे बहनों को जो बना ही देते वो देने के लिए बिठाया, फिर मुझे स्टोर कीपर बनाया, फिर मैं सेक्रेटरी बनी,
तभी मुझे संचालिका भी बनाया, फिर बाद में सेंट्रल ऑफिस में मैं 8 साल से प्रेसिडेंट हूँ। मैं 50 भरी हुई थी व्यवस्थापन समिति के 20 सभासद उपस्थित। आज वो मुंबई में लिज्जत के हेड ऑफिस में मंथली रिव्यू मीटिंग कर रही है, जिसमें 21 कमेटी मेंबर्स हैं, जो लिज्जत के सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन संभालती है। और अजय के बारे में बात करो, अजय 145 एजेंडा है, अंदरूनी मामलों पर चर्चा, नए रिकमेंडेशंस और आगे के प्लान्स। आज ये उस बोनस अमाउंट पर चर्चा कर रही है जो सभी लिज्जत मेंबर्स को दिया जाना चाहिए। लिज्जत में काम करने वाली सभी औरतें बराबर की हिस्सेदार हैं, इसलिए बोनस भी सभी में बराबर बांटा जाता है। लिज्जत ने अपने कंज्यूमर्स को सबसे लज्जतदार फूड आइटम दिया है, हालांकि इसका इससे भी बड़ा अचीवमेंट है, जो है पूरे भारत में 45,000 औरतों को काम और इज्जत देना। अपनी शुरुआत से आज तक 1 लाख से ज्यादा औरतों तक पहुंचकर उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें ताकत दी जो वक्त के हिसाब से बहुत रेडिकल और प्रोग्रेसिव है। हमारी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत बढ़ गया है। देश भर में पहुंच बनाते हुए लिज्जत पापड़ के तादाद और पैमाने में बढ़ते जाने के बाद भी वो वक्त से आगे की सोच रहे थे। 1976 में उन्होंने मुंबई में मसाला मिक्स डिवीजन की शुरुआत की। लिज्जत की इस डिवीजन में 20 से ज्यादा मसालों के रोजाना करीब 1,000 पाउचेस और हर हफ्ते करीब 5,000 पाउचेस तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, हम लोग ने मसाले किए लिज्जत के पूरे मसाले, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची पाउडर है, मिरी पाउडर है। हम लोग जो मिर्ची भी पीसते हैं तो हम उसमें डिठिया नहीं डालते, वैसे हल्दी भी है, हम लोग प्योर राजापुरी ही लेते, पूरा प्योर कैसा माल दे वही हम सोचते। और संस्था की यही वो खासियत रही है क्या, हम प्योर माल सभी को दे। हम लोग ने एक लेबोरेटरी बनाई है, हम जो दाल पीसते है वो भी हम लोग लेबोरेटरी में भेजते है, उसका मॉइस्चर देखते है, उसका लॉट नंबर बनता है, वो जो केमिस्ट लॉट नंबर देगा उसी हिसाब से माल बनना चाहते हैं। सभी का लेबोरेटरी टेस्ट में उसका पूरा रिपोर्ट आता है, सभी का, हिंग का आता है, मिरी का आता है, दाल का आता है। बढ़ते बिजनेस के पीछे है नई सोच। एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन्होंने पैकेज्ड चपातियां बनानी शुरू की। अब रोजाना 13,000 से ज्यादा रोटियां बनाई जाती हैं, सब हाथ से बेली और सेकी जाती हैं। इसके पीछे भी मकसद वही है, ज्यादा से ज्यादा औरतों को एम्पावर करना। चपाती तो बहुत चल रही है हमारी, सालों में मुझे लगते 3 करोड़ की हमारी चपाती है, और वो भी बड़ी बड़ी जगह पे जाती है, ओबेरा है, ट्राइडेंट है, भारत बिजली, वोल्टास, रिजर्व बैंक, इनकम टैक्स, BPCL, BARC, टाटा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी बड़ी जगह पर जाती है। 80 रुपए के लोन से शुरू हुए इंस्टीट्यूशन लिज्जत का आज मंथली एक्सपोर्ट टारगेट 7 करोड़ रुपए और एनुअल टारगेट 70 करोड़ रुपए है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रांच कैसे खोले, रूरल एरिया में कैसे जाए, क्योंकि वहाँ की बहनों को काम कैसा मिले, क्योंकि संस्था का उद्देश्य भी वही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम मिले, और इसलिए हम लोग ज्यादा रूरल एरिया में ही जाते हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा ब्रांच खोलते हैं। इन नंबर्स को हासिल करने और लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खास मेंबर्स की एक टीम नई लोकेशन को देखने निकली है। ये जगह तो बहुत काफी अच्छी है, कामकाज तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जगह अच्छी है, आटा हम लोग वहाँ बांध सकते हैं। हाँ, इस तरफ से देखते हैं। नई ब्रांचेस खोलने के लिए लिज्जत लोकल सोर्सेज से भी बात करती है। बड़ा गाड़ी भी रह सकती है, अच्छी थोड़ी ऐसी शेड डाल के हम लोग ले लेंगे यहाँ, और गाड़ी भी वहाँ से आ जाएगी बराबर। इसके बाद इन्हें लोकल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज किया जाता है ताकि सब जाने और ज्यादा मेंबर्स जुड़े। वैसे तो बहुत जगह हम लोग सर्वे करते हैं और जगह देखते हैं, वहाँ के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो उनको बताते हैं कि हम यहाँ ब्रांच खोले तो आप थोड़ा जगह देखिए, फिर हम लोग खुद जाके वहाँ जगह देखते हैं, उससे में हमें कोई जो पसंद आती है तो हम लोग वो चूज करते हैं कि बाबा ये जगह अच्छी है, तुरंत हम लोग काम शुरू करते हैं। अब
अब वक्त है बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर की डिलीवरी की जानकारी लेने का। जसवंती बेन ने पुणे की टीम से मदद मांगी थी और अब फाइनल डिलीवरी मुंबई की बांद्रा ब्रांच से रवाना होने वाली है। स्वाति बेन की कड़ी निगरानी में अब पापड़ बॉक्सेस में पैक किए जा रहे हैं जो साउथ अफ्रीका भेजे जाएंगे। फाइनल डिलीवरी मुंबई की बांद्रा ब्रांच से की जाएगी। लिज्जत में आज 45,000 बहने हैं और ये 45,000 बहने यानी 45,000 किचन हो गए और 45,000 किचन यानी एक बड़ा मेगा किचन हो गया और आज इसीलिए लिज्जत का एक बड़ा ब्रांड तैयार हो गया है। बिना मॉडर्न मशीन्स के क्वालिटी को बनाए रखने के इरादे के साथ लिज्जत ने तैयार किया एक सादगी भरा पापड़ जो बना भारत में औरतों को एम्पावर करने का एक जरिया। मुझे याद है मैं एक छोटा प्रोजेक्ट कर रहा था ऑन एम्पावरमेंट एंड द पापड़ और मैं एक लेडी से मिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पापड़ बनाने में ही लगा दी और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी दोनों बेटियां एम्स में पढ़ रही थी, वन ऑफ द टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। और जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने रोलिंग पिन देखा उनके घर के मंदिर में। उन्होंने उस रोलिंग पिन को उठाकर माथे पर लगा लिया। आई थिंक बीइंग अ शेफ ये कुछ ऐसा था जो मैंने आज तक नहीं देखा था। एक रोलिंग पिन जिसके अंदर इतनी पावर है कि दो बेटियों को डॉक्टर बना दे जो आगे चलकर लोगों की जिंदगियां बचाएंगी।